गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू साइंस क्लासेज ऑफ ब्लूम ब्लूज अकेडमी। डियर फ्रेंड्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट द रेस्पायरेशन एंड इट्स लाइफ, एंड टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। बिफोर वी स्टडी द रेस्पायरेशन, वी टॉक्ड अबाउट द एटीपी। द एटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थोड़ा सा है एटीपी को, उसको हम लोग देखते हैं। एटीपी क्या होता है? एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच फंक्शन एज एनर्जी करेंसी इन द प्लांट सेल। जो प्लांट सेल में क्या होती है एनर्जी होती है, वो करेंसी के फॉर्म में जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। एंड इट स्टोर एनर्जी इन द बॉन्ड बिटवीन द थ्री फॉस्फेट ग्रुप। इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसी में ये एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एटीपी इज फॉर्म बाई या एटीपी इज फॉर्म फ्रॉम द एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यानी कि एटीपी जो होता है वो एडीपी से क्या होता है, बनता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो ये आप याद रखिएगा, अक्सर एडीपी वर्ड आता है, इसलिए सबसे पहले इसको बताना जरूरी था। देखो बेटा क्या होता है ना, ये जो है ये बड़ा ही आज का लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि लगभग हम सभी जीवों में देख रहे हैं, ह्यूमन बींग साथ भी देखेंगे, लेक्चर में देखेंगे, लेकिन जितने भी क्या नाम है आज ये वर्ड है बहुत ही सिंपल है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में, कौन से ऑर्गन या कौन से सिस्टम के द्वारा रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। तो आप थोड़ा सा माइंड वॉश करोगे तो आप उसको सब कुछ पकड़ लोगे। तो हमने रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में एनिमल आज का जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। रेस्पायरेशन इन प्लांट की बात करें तो देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम इन प्लांट फॉर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के लिए प्लांट्स में कोई भी स्पेशल ऑर्गन और स्पेशल पार्ट्स नहीं होता है। ये जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो स्टेम हो, उसके सभी के थ्रू वो क्या करता है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस करता है। तो आपने क्या किया, रेस्पायरेशन इन प्लांट की बात किया तो कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, उसको लीव्स के द्वारा भी क्या कर सकता है, रेस्पायरेशन कर सकता है, स्टेम्स के द्वारा भी कर सकता है, रूट के द्वारा भी क्या कर सकता है, वो रेस्पायरेशन कर सकता है। और ये जब रिस्पायरेशन करता है तो O2 कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से ऑब्टेन करता है, तो O2 इज ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा एंड न्यूक्लियर। रिस्पायरेशन की प्रोसेस है तो जनरली क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पायरेशन की प्रोसेस, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और थ्रू किसके द्वारा करते हैं, तो रूट्स और स्टोमेटा के द्वारा करते हैं, रूट्स हेयर के द्वारा और स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। आगे बात आती है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट टेक प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर इज अकर्ड बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है तो अक्सर आपने देखा होगा, आज फिर इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सोल्यूट्स आर एनी मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर लेवल कंसेंट्रेशन टू लोअर लेवल कंसेंट्रेशन। एकदम इजी वे में आपको जानने के लिए दो क्या नाम है, अगर यहाँ पे कोई चीज है जिसमें क्या नाम है, कोई भी क्या नाम है, कंसेंट्रेशन जिसकी ज्यादा रहेगी वहां पे ये क्या होगा, मॉलिक्यूल मूव करता है। यानी कि ए को ए में कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बी में कंसेंट्रेशन कम है, तो मॉलिक्यूल्स आर मूव फ्रॉम ए टू बी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड में डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल और सॉल्यूट्स आर मूव फ्रॉम हायर लेवल कंसेंट्रेशन टू लोअर लेवल कंसेंट्रेशन। यही प्रोसेस के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। आगे बात करते हैं कि रेस्पायरेशन इन रूट, अगर हम बात करें इन तीनों में कि रेस्पायरेशन कैसे होता है, तो देखते हैं रेस्पायरेशन, अगर रूट में अगर रेस्पायरेशन की बात की जाए तो यंग रूट जो होते हैं वो रूट हेयर्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायरेशन की प्रोसेस को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कर लेते हैं। लेकिन ओल्ड रूट होता है उसमें रूट हेयर क्या होते हैं, लेकिन जो ओल्ड रूट होता है उसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन रूट हेयर्स के द्वारा नहीं होता है, बल्कि वो किसके द्वारा होता है, लेंटिकल्स के थ्रू होता है। किसके द्वारा होता है, लेंटिकल्स के थ्रू होता है। लेंटिकल्स क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपके सामने तुरंत एक क्वेश्चन आए कि व्हाट इज लेंटिकल्स, तो ये क्या होता है, पोरस टिश्यू होता है, जनरली फाउंड इन द वुडी स्टेम और रूट। जो वुडी क्या होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, जो उसमें लकड़ियां आ जाती हैं वुडी प्लांट्स में या वुडी रूट्स में या वुडी क्या नाम है स्टेम में, क्या होता है, जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो पोरस टिश्यू के द्वारा होती है, उस पोरस टिश्यू को ही हम लेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें रेस्पायरेशन स्टेम
तो रेस्पिरेशन इन स्टेम इज कैरिड आउट बाय द स्टोमेटा। जो यंग स्टेम होती हैं उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होती है। स्टोमेटा को हमको डिस्कस करना है अगले लेक्चरों में हम लोग करेंगे, लेकिन स्टोमेटा का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं, टू गॉड सेल होती हैं। ये एक गॉड सेल है जो दोनों मिलकर क्या करते हैं, स्टोमेटा बनाती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या करके थ्रू ही क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि लेंटिकल्स के थ्रू और या उडी स्टेम में क्या होता है, क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन इन लिप्स की बात करें तो स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, लिप्स में भी क्या होते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ये तो रहा क्या रेस्पिरेशन इन प्लांट, क्योंकि एक बार रिपीट कर देता हूँ कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर बात की जाती है तो देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन, देयर इज नो स्पेशल सिस्टम फॉर द रेस्पिरेशन इन प्लांट। देयर पार्ट्स लाइक लीव्स स्टेम एंड रूट्स occurs in plant for the respiration. Respiration in leaves is occurred through the stomata, stem also stomata and roots by the roots layer and lenticles. अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसा होता है, जो इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल इज कैरिड आउट बाई डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट सिस्टम। अलग अलग जो क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अलग अलग रेस्पिरेशन का क्या होता है, मोड होता है, और क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम होते हैं। स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की अगर बात की जाए तो जो ऑर्गन होते हैं या सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन होता है, स्किन होता है, ट्यूब होता है, गिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं। किसके थ्रू किस में होगा, तो अगर हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसमें जो रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, और रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो भी क्या होता है, एक ऑर्गन होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन होता है, जिसे अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना में ये क्या होता है, उसके द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। स्किन के द्वारा भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, लाइक अर्थवर्म लीच, जो अर्थवर्म आप देखते हो, जो लीच आप देखते हो, उसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होता है। जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, और या एयर ट्यूब या उसको बोल सकते हैं, उसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। गिल्स की बात करें तो गिल्स आप जानते हो, अक्सर गिल्स का नाम लेते हैं आपको फिश याद आ जाएगी, फिश में प्रॉन जिसको हम जीना बोलते हैं, इन सारी चीज़ों में जो एथलेटिक होते हैं उसमें क्या होता है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की बात की जाए, बर्ड्स की बात की जाए, लिजार्ड की बात की जाए, तो आप सोचोगे कि इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो इसमें रेस्पिरेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लंग्स के नाम से जानते हैं। लंग्स के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस लिजार्ड, बर्ड्स, ह्यूमन में, मैमल्स में क्या होती है, पाई जाती है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखा आज कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स कैसे होता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। तो याद रहे इतनी सारी चीज़ें आपको पूरा क्या नाम है, माइंड में रखना है, ताकि आगे की चीज़ें आसान हो सकें। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या नाम है देखेंगे, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक्सचेंज इनहेल और एक्सहेल क्या होता है, कितनी प्रोसेस में ये पूरा होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।